कानपुर से खबर, मथुरा में श्रम विभाग कर्मचारियों पर कार्रवाई का विरोध। श्रम विभाग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने जांच की मांग की। श्रम विभाग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने जांच की मांग की है। अध्यक्ष प्रभात मिश्रा ने मामले में की एसआईटी जांच की मांग। मथुरा में श्रम विभाग के 10 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा। मथुरा में श्रम विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई का विरोध। मथुरा में जो कार्रवाई की गई है, जिस तरह से आनन फानन में कार्रवाई की गई है, बिल्कुल उचित नहीं है। वहाँ के इसके पूर्व 25-2 में मुख्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी, जिसमें बीएस दीक्षित का नाम नहीं था। उसके बाद 9-5 में माननीय सचिव बोर्ड द्वारा जांच की गई, जिसमें डीएस दीक्षित जी के नाम को उसमें दर्शाया गया है, जबकि उन्हीं की जांच रिपोर्ट में योजनाओं में संलिप्तता का कोई भी प्रकरण नहीं है। अगर योजनाओं में संलिप्त नहीं है श्री डीएस दीक्षित जी, तो उनके विरुद्ध जो FIR में नाम दर्ज किया गया है वो बेहद अफसोसजनक है, जिसका हमारा श्रम विभाग कर्मचारी संघ पूरी तरह से इसका विरोध करता है। और मैं उच्च अधिकारियों से मांग भी करता हूँ, माननीय श्रम एवं सेवाजन मंत्री जी से मांग करता हूँ कि श्री डीएस दीक्षित जी का नाम वहाँ से हटाया जाए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे कानपुर ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, श्रम आयुक्त के 2 दिवसीय जाँच में दोषी नहीं पाए गए, तो उसके बाद ये कार्रवाई जो SIT जांच की मांग कर रहे हैं प्रभात मिश्रा। बिल्कुल, जिस तरीके से मथुरा में ये पूरी कार्रवाई की गई कि 10 लोगों के खिलाफ उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया, और सबसे बड़ी चीज जो वहाँ के महामंत्री हैं श्रम विभाग के कर्मचारी संघ के उत्तर प्रदेश के महामंत्री हैं डीएस दीक्षित, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उसको लेकर के कहीं ना कहीं इस जो पूरा जो कर्मचारी संघ है उसमें आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। उसी को लेकर के आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने अपना एक बयान जारी किया है कि जो एक ये कार्रवाई की गई कहीं ना कहीं एक गलत कार्रवाई की गई है, और अगर इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी तो किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर दे और उसके खिलाफ जब तक कोई साक्ष्य ना हो तो ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। उसको लेकर के उन्होंने एक साफ तौर पर कहा है कि SIT की एक टीम बना करके इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए, और जो उसमें दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि उनको उस दोष की सजा दी गई है जिस दोष में उनका कोई मतलब ही नहीं था, जिस काम की सजा दी गई उसमें जिस काम को वो करते ही नहीं थे। तो इन सब तमाम चीजों को लेकर के फिलहाल जो कर्मचारी है संघ है उस पूरे में सबमें आक्रोश है, और उनका कहना है कि जल्द से जल्द अगर उनको इस पूरे मामले से बाहर नहीं किया गया, उनको बरी नहीं किया गया, तो जो कर्मचारी संघ है वो जो श्रम विभाग कर्मचारी संघ जो उत्तर प्रदेश का है सबके सब एक में है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने को बाध्य होंगे, और सबके सब मिल करके एक जो भी जिन्होंने भी कार्रवाई की उनके खिलाफ भी एक बड़ी योजना बना करके उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका। तो मथुरा में श्रम विभाग कर्मचारियों पर कार्रवाई का विरोध किया गया है।